जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान सूर्य देव नवग्रह के प्रमुख माने जाते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति का आगमन होता है और शत्रुओं का नाश भी होता है। सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा करके सूर्य नमस्कार जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सेवन करने से सूर्य देव नाराज़ हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनको कि रविवार के दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं और इन 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से जोड़ करके देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव का जो स्वभाव है वो गर्म है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा, इच्छा शक्ति, प्रसिद्धि, आंखें, सामान्य जीवन शक्ति, साहस, राजसत्ता, पिता और परोपकार की विशेषता रखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनको कि रविवार के दिन खाना नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो कि मांस में पाए जाने वाली मात्रा से भी कहीं ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए इसे देव भोग के रूप में चढ़ाने की मनाही होती है और जब कभी भी पूजा पाठ का समय होता है ये दाल खास करके नहीं बनाई जाती है। दूसरी चीज़ है लाल साग। रविवार के दिन लाल साग खाना अशुभ माना गया है, क्योंकि इस तरीके के मिश्रित अल्पकालिक 12-मासी पौधे को वैष्णव धर्म में मृत्यु का प्रतीक माना गया है। तीसरी चीज़ है लहसुन। हालांकि लहसुन ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन रविवार को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लहसुन को अशुभ माना गया है। चौथी चीज़ है मछली। मछली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है, लेकिन मछली एक मांसाहारी भोजन है, इसलिए रविवार को इसे खाने से भी बचना चाहिए। पांचवी चीज़ है प्याज। प्याज ऐसे तो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है कि इसको खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, पर रविवार के दिन इसका सेवन करना सूर्य देव को क्रोधित कर सकता है। तो ये 5 चीज़ों का सेवन रविवार को खास करके नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, कि क्या ही वजह है जिसकी वजह से इन 5 चीज़ों को रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार गोमेद यज्ञ में गाय की बलि को एक अनुष्ठान माना जाता था। एक बार एक ऋषि गोमेद यज्ञ करने वाले थे, जिसमें उन्होंने एक गाय की बलि दी। क्योंकि लंबे समय से ऋषि और उनकी पत्नी फल और कंदमूल खा करके जी रहे थे, तो उनकी पत्नी से भूख सहन नहीं हुई और उन्होंने खाना पकाने के लिए मृत गाय के शरीर से एक टुकड़ा काटने का फैसला किया। जब ऋषि की पत्नी मांस की गंध को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने उस टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। ये टुकड़ा बाद में 2 हिस्सों में बट गया। इसके बाद शाम के समय जब ऋषि ने गाय को पुनर्जीवित किया तो जंगल में फेंका गया जो टुकड़ा था उसमें जान आ गई। जमीन पर गिरे हुए मांस का पहला हिस्सा लहसुन में बदल गया, दूसरा हिस्सा जो तालाब में गिरा वो मछली बन गया, जमीन पर गिरी खून की बूंद लाल मसूर बन गई, त्वचा प्याज में बदल गई और हड्डी लाल साग में बदल गई। इसलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन इन चीज़ों को खाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज़, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।